हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुकन्या और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। आज मैं लेकर के आई हूँ बच्चों के लिए ओट्स चीला की रेसिपी, जो कि काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। और यह बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसे आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ओट्स चीला की इस रेसिपी को। तो ओट्स चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ओट्स को 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, जिसे हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ और धनिया पत्ता डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च, मटर, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब 2 चम्मच के करीब इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, काले मिर्च का पाउडर डाला है और ये नमक डाला है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे स्किप किया है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत हो तो आप पानी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपका बैटर बन जा रहा है अच्छे से, थोड़ा थिक बैटर ही हमें बनाना होता है इसका, तो आप इसमें पानी ना डालें। मेरा बैटर थोड़ा थिक हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। तो हमारा बैटर अब तैयार हो गया है। ऊपर से मैं यहाँ पर नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन। यहाँ पे आपको कोई नॉन स्टिक पैन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा तेल डाला है और उसके बाद हमें बैटर को अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देना है। बैटर को इस तरह चम्मच की हेल्प से आप जो है साइड साइड से स्प्रेड कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर से सिक चुका है। अब इसे मैं पलट ले रही हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसे आप बहुत हल्के से पलटें, क्योंकि ओट्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आपको इसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है चीला बनकर के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है ये चीला खाने में। उसी तरीके से मैं दूसरा चीला बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको बैटर को स्प्रेड करना है और साइड साइड से चम्मच की हेल्प से उसे पतला कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर से तेल डाल दिया है। उसके बाद फिर से मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। तो ये हमारा दूसरा चीला भी बन करके तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही कम समय में बनने वाली चीला की रेसिपी है। ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। तो इस चीला की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।